जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब से आदिपुरुष मूवी रिलीज हुई है, इस मूवी को लेकर पर्सनली लोगों का ओपिनियन ये था कि भाई इससे रद्दी मटेरियल हमने देखा ही नहीं है। और इसके चलते मनोज मुंतशिर यानी कि इस मूवी के डायरेक्टर को, ओम रावत जिन्होंने इस मूवी के अंदर डायरेक्शन देने का काम किया, क्योंकि ये तो कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं ना, तो इन पर तो भाई कार्रवाई होनी ही चाहिए। एंड उसके बाद बेसिकली इसके विजुअल इफेक्ट की टीम को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है, और मुझे लगता है कि इतना ट्रोल होना भी चाहिए था भाई। इतना भद्दा मजाक कसम से रामायण का आज तक बना ही नहीं होगा जितना इन चाचा चौधरी ने बनाया है। खैर, आज का अपना ये टॉपिक इस मामले पर नहीं है, क्योंकि हर बंदा तो इस मूवी को ट्रोल कर ही रहा है। आज का ये वीडियो जो है आपको यूट्यूब के प्रति जो है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की डार्क साइड को दिखाने की कोशिश करेगा जो कि शायद आपने नोटिस ना करा हो। जब से आदिपुरुष रिलीज हुई है तुमने एक चीज़ तो देखा ही होगा कि इसमें हर एक डिपार्टमेंट को लगभग ट्रोल किया गया है, एंड स्पेशली डायलॉग राइटर्स और डायरेक्टर्स को, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन अगर तुम गौर से इस एक चीज ध्यान दोगे तो इस मूवी के एक्टर यानी कि प्रभास को बहुत ही कम लोगों ने टारगेट लिया है। मतलब मैंने ऐसे यूट्यूब के अंदर एक भी वीडियो नहीं देखी होगी इसमें किसी बंदे ने खुल के बोला हो कि प्रभास तुमने ये कितना कचरा काम किया है 100 करोड़ फीस लेके। एंड टू बी ऑनेस्ट कोई कैसे बोल भी सकता है, बिकॉज आपकी उस बंदे की इतनी तगड़ी लेवल पर फैन फॉलोइंग है। और फिर साउथ के एक्टर्स की थोड़ी चमचागिरी भी तो करनी होती है ना, साउथ के स्टार्स की, क्योंकि बेसिकली वो भगवान माने जाते हैं इंडस्ट्री के, वो थोड़ी ना गलती करते हैं। एंड अपना ये टॉपिक इसीलिए है बिकॉज ऑफ कि आपने अगर पास्ट में देखा ही होगा तो जब भी किसी मूवी का कोई फेलियर होता है, एज लाइक एज एसआईके का तुम एग्जाम्पल ले लो, जब जियो नहीं चली तो लोगों ने उन्हें एक्टिंग सिखाई। टू बी ऑनेस्ट इवन कि अगर तुम पिछले साल की ही बात करो तो सम्राट पृथ्वीराज अक्षय कुमार की पिक्चर नहीं चली, और उसके लिए उस मूवी के अंदर जो सम्राट पृथ्वीराज का जो रोल था, अक्षय कुमार का जो लुक था, वो पब्लिक को बिल्कुल नहीं पसंद आया था। एंड उसके लिए किसी ने भी उसके डायरेक्टर को डायरेक्टली जो है ट्रोल नहीं किया, बल्कि डायरेक्टली अक्षय कुमार को ही ट्रोल किया गया था। एंड उसके बाद से उनके खिलाफ बहुत तगड़ी निगेटिविटी फैल गई थी बिकॉज ऑफ कि उस मूवी के अंदर उनका लुक बेहतरीन नहीं था। बेसिकली इसका काम जो है एक्टर का तो नहीं होता है कि वो अपना लुक मेंटेन करे, पर फिर भी मैं आपको पब्लिक की और यूट्यूबर्स की एक मानसिकता को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हर एक बंदे ने, हर एक यूट्यूबर ने, बॉलीवुड का एक्टर था ना, तो सिर्फ और सिर्फ अक्षय कुमार को ही ट्रोल किया। एंड अभी हाल ही का तुम एग्जांपल ले लो पठान फिल्म, ये एक मूवी है जो एग्जांपल बनी हुई है, तो इस पर बात करना बहुत जायज भी हो जाता है। जब पठान मूवी के अंदर दीपिका पादुकोण का एक सीन से पब्लिक को प्रॉब्लम हुई, तो किसी ने भी इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि सिद्धार्थ आनंद को, राइटर या फिर कॉस्ट्यूम डिजाइन वाले को ट्रोल नहीं किया, डायरेक्टली एसआईके के पुतले जलाए गए, एसआईके के खिलाफ जो है बहुत सारी निगेटिविटी हुई, और पठान सहित एसआईके की अपकमिंग मूवीज का भी बॉयकॉट करने पर लोग तुलाए। इवन कि अगर तुम देखोगे जाके तो लाल सिंह चड्ढा मैंने मिस कर दी पीके मूवी के कारण जो है, क्योंकि उसमें आमिर खान सर ने एक रोल प्ले करा था, तो उसी एक्टर को ब्लेम करा गया लाल सिंह चड्ढा के टाइम पर, एंड लोगों ने लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट कर दिया, आमिर खान के फिर से पुतले जलाए। मतलब कि अगर कोई भी मूवी फेल होती है तो डायरेक्टली हमारे यहाँ पर एक्टर्स को ही ब्लेम किया जाता है, जो कि हमारे बॉलीवुड के रिव्यूअर्स का एक इकोसिस्टम है, वो जानबूझकर बॉलीवुड के एक्टर को ट्रोल करते हैं, और स्पेशली अगर एसआईके सलमान या फिर आमिर हो तो और ज़्यादा ही ट्रोलिंग बढ़ ही जाती है। खैर, इस बार तुमने देखा ही होगा कि प्रभास के खिलाफ किसी भी बंदे ने एक तरफ भी एक वीडियो नहीं बनाया होगा कि प्रभास सर आप 100 करोड़ 150 करोड़ चार्ज करते हो, सो कॉल्ड आप पैन इंडिया स्टार हो, जिसकी पहले दिन के कलेक्शन तो 140 करोड़ 200 करोड़ आ जाते हैं, हालांकि दूसरे दिन पिक्चर भले ही डब्बा बंद हो जाए, तो एज एन एक्टर जब आप इतने बड़े एक्टर हो, हर एक इंडस्ट्री से लोग आपको फॉलो करते हैं, सिर्फ आपकी पर्सनल इंडस्ट्री से नहीं बल्कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बाकी भी जो इंडस्ट्रीज हैं, मलयालम वगैरह, वहां पर आपकी फैन फॉलोइंग है, इवन कि आपको पूरे इंडिया के अंदर लोग फॉलो करते हैं, आप उनके लिए भगवान जैसे हो, अगर आपको कोई भी बोल दे कि आपने एक्टिंग अच्छी नहीं की, तो यहां पर यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में लोग हमें सिखाने लगते हैं कि आप काम क्या है। तो फिर प्रभास को किसी ने भी ट्रोल इस समय क्यों नहीं करा, क्योंकि आदिपुरुष में जितना गंदा काम ओम रावत ने किया है, जितना गंदा काम मनोज मुंतशिर ने डायलॉग्स में किया है, उससे भी बेहतरीन लेवल का घटिया काम किया है प्रभास ने अपनी एक्टिंग के जरिए। और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज ऑफ कि आप जब आदिपुरुष देखते हो तो प्रभास ही एक ऐसे एक्टर थे भाई, मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी मूवी के लिए VFX या फिर जब आप किसी जो है रामायण जैसी एपिक स्टोरी पर पिक्चर बना
बना रहे हो तो VFX, CGI ये पब्लिक इग्नोर भी कर देती है एक टाइम पर। कार्तिकेय 2 एक बेस्ट एग्जांपल है इसका। लेकिन फिर भी एक्टर की एक्टिंग को, जो कैरेक्टर है उसको अगर तुम जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए तो पब्लिक तुमसे कनेक्ट ही नहीं होगी। और आदि पुरुष में इसकी स्टार कास्ट सबसे बड़ा मिसफिल था। मतलब कैसे कैसे एक्टर थे उस मूवी के अंदर। लक्ष्मण नेगर लग रहे थे, सैफ अली खान को तुमने इतना पता नहीं क्या ही बना के छोड़ा था, सीता माता की वेशभूषा तो भाई 7000 साल पुराने की लगती ही नहीं मुझे किसी एंगल से, एंड प्रभास तुम बाहुबली के जून से बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते, हमेशा तुम्हें बाहुबली वाला एक्टर ही बन के क्यों रहना होता है। भाई प्रभु श्री रामचंद्र जी को माना कि गुस्सा आता रहा होगा, समुद्र के सामने खड़े होकर उन्हें गुस्सा आया था, पर हर बार जो है बाहुबली की तरह मोनोलॉग देना भी तो एक जस्टिफिकेशन नहीं है ना, जब तुम लॉर्ड राम प्ले कर रहे हो। तो मेरा सवाल बस इतना ही रहेगा कि जब एसआरके को ऐसी मूवीज के लिए ट्रोल किया जा सकता है, सलमान खान को ट्रोल किया जा सकता है, या फिर बॉलीवुड के स्पेशल एक्टर्स को जो कि बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं उनको ट्रोल किया जा सकता है, तो एक तेलुगु स्टार को, एक तेलुगु एक्टर को जिसने गलत काम किया है, पिक्चर के अंदर बढ़िया काम नहीं किया है, उसे ट्रोल करने में हमारे यूट्यूबर्स इतना काहे शर्मा रहे हैं। नहीं दुल्हन के सर से, टू बी ऑनेस्ट मुझे समझ में नहीं आता। खैर तुम्हारे इस टॉपिक पर क्या थॉट है, तुम मेरी कितनी बातों से एग्री करते हो, क्या प्रभास को इस मूवी के लिए ब्लेम करा जाना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ मनोज मुंदसिर और आदि ओम रावत पर अटक के ही बॉलीवुड को स्पेशली ट्रोल कर दो कि बॉलीवुड ने जानबूझ के बनाया है पिक्चर ऐसी ताकि हमारी आस्था का मजाक उड़े और तुम अपना एकदम सेफ वाला विक्टिम कार्ड खेल ले जाओ। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आया इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, मिलेगी अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके बाय, जय हिंद।